हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1945 की दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लार्ड वेवेल योजना और कांग्रेस का शिमला सम्मेलन। दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लार्ड वेवेल योजना आया था जून 1945 में और इसको लाने वाले वायसराय थे लार्ड वेवेल। और इसको लाने का कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में जो व्याप्त गतिरोध था इसको दूर करना, और इसको दूर करने के लिए कुछ प्रावधान लाए गए थे लार्ड वेवेल योजना में, जैसा कि भारत की कार्यकारी परिषद का भारतीकरण होगा और इसका प्रतिनिधित्व सभी दल करेंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों दल इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। भारत की कार्यकारी परिषद का भारतीकरण होगा लेकिन प्रतिरक्षा विभाग केवल वायसराय के अधीन होगा। फिर नेक्स्ट प्रावधान था कि कार्यकारिणी परिषद में हिंदू व मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। फिर नेक्स्ट प्रावधान था कि जो कांग्रेस के नेता गिरफ्तार किए गए हैं वह रिहाई किए जाएंगे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। उसके बाद इस वेवेल योजना पर चर्चा के लिए होगा कांग्रेस का शिमला सम्मेलन। यह हुआ था जून 1945 को, यह शिमला में हुआ था और इसका कारण यही था कि जो वेवेल योजना लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वेवेल योजना लाया गया था जून 1945 में, उस पर चर्चा के लिए हुआ था कांग्रेस का शिमला सम्मेलन। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं, कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। फिर देखते हैं इसका परिणाम। देखिए, कांग्रेस का शिमला सम्मेलन असफल रहा और वेवेल योजना भी असफल रहा। इसका कारण यह था कि मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम सदस्य हैं उसका चयन खुद मुस्लिम लीग करेगी, जिसके विरोध करते हैं कांग्रेस के सदस्य, और जिसके कारण यह असफल रहा था। तो ये थी लार्ड वेवेल योजना और कांग्रेस का शिमला सम्मेलन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आने वाले समय में आपको और भी अदर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। धन्यवाद।